तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुर्गियाँ अंडा क्यों नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, मुर्गी ने पहले अंडे दे चुकी है, उसके बाद मुर्गियाँ अंडा देना बंद कर देती है। तो इसका कारण क्या है और मेडिसिन कौन सी देना है, कौन सा इनको फीड देना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि मुर्गियां अंडा क्यों नहीं देती या अचानक बंद कर दिए मुर्गी ने अंडा देना या किस कारण के वजह से मुर्गी ने अंडा देना बंद कर दिया है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारी मुर्गियाँ है। जी हाँ दोस्तों, आप देख ही सकते हो कितनी सारी मुर्गियाँ है, लेकिन अभी एक भी मुर्गी अंडा नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्या हुआ कि जो बरसात के समय जो मुर्गी के जो फार्म के अंदर दोस्तों पानी वगैरह आ चुका है, आप देख ही सकते हो कितना वोल टाइप है और मुर्गियां है, इतनी सारी मुर्गियां दोस्तों, पर भी एक भी अंडा नहीं दे रही है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, तो आप देख ही सकते हो ये हमारा फार्म है पूरा गीला हो चुका है। गीला होने के कारण मुर्गियां अंडा नहीं दे रही है, इसका कारण ये समझ रहे होंगे आप, लेकिन ये कारण नहीं है दोस्तों। मुर्गियाँ जैसे मुर्गी ने अंडा दी है, उसके बाद मुर्गी 31 दिन सेती है यानी वो अंडे पे बैठती है, लेकिन हम वो अंडा बेच देते हैं तो उसके वजह से जो मुर्गी है यानी 15-20 दिन का गैप लेती है, इसके वजह से मुर्गियाँ अंडा नहीं देती। तो यही कारण है कि जो मुर्गियाँ है वो अंडा नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फार्म वगैरह गीला है या इसके वजह से कुछ बीमारी आ गई है, ये का कारण नहीं है दोस्तों। और मुर्गी में कैल्शियम वगैरह की कुछ भी कमी नहीं है, क्योंकि मुर्गी को हम टाइम टाइम पे फार्म के अंदर चूना वगैरह सब मारते रहते हैं और इन्हें कैल्शियम मेडिसिन भी देते रहते हैं, और तो और हम इन्हें लेयर में फीड भी खिलाते हैं, लेकिन पर भी दोस्तों मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही है। वो अंडा तो दे चुकी है, लेकिन जो 15-20 दिन यानी 15 दिन का जो गैप लेती है मुर्गियाँ जो अंडा सेने के लिए बैठती है अंडे पे, तो वो अंडे तो हम बेच देते हैं, उसके वजह से हमें लगता है कि मुर्गियाँ अंडा नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुर्गियाँ थोड़ा सा टाइम लेती है 5-10 दिन का, उसके बाद फिर से मुर्गियाँ अंडा देना स्टार्ट कर देती है। जी हाँ दोस्तों, 15-20 अंडे देना स्टार्ट कर देती है, फिर उसके बाद फिर और थोड़ा सा टाइम लेती है और फिर उसके बाद मुर्गियाँ अंडा देना बंद कर देती है, फिर और दोबारा से ऐसा उनका रूटीन रहता है दोस्तों मुर्गियाँ का। तो आपको मैं बता दूँ, अगर से आपकी मुर्गियाँ एक भी अंडे नहीं दे रही है या आपकी मुर्गियाँ 5 महीने या 6 महीने की हो चुकी है और फिर भी वो मुर्गियाँ अंडा नहीं दे रही है, तो आप उसे क्या दे सकते हो मेडिसिन में। मेडिसिन में दोस्तों आप कैल्शियम की कमी हो चुकी होंगी आपकी मुर्गियाँ को, तो आप कैल्शियम के इसमें चूना का यूज कर सकते हो या तो आप मेडिसिन का भी यूज कर सकते हो। कोई भी मेडिकल शॉप में जाके कैल्शियम की कमी की मेडिसिन आप ला सकते हो, या तो आप दोस्तों लेयर मैस फीड भी ला सकते हो, क्योंकि लेयर मैस फीड देने से आपकी मुर्गियाँ जल्दी अंडे पे आती है और जल्दी ये अंडा देती है दोस्तों, इसके वजह से भी आप ये उपाय कर सकते हो। या आपको मैं घरेलू उपाय बताता हूँ, आप सीधा सीधा मुर्गियों को बाहर चरने के लिए छोड़ दें, क्योंकि बाहर जितना आपकी मुर्गियाँ चरेंगी उतना ये मुर्गियाँ अंडा देंगी दोस्तों, क्योंकि बाहर से इनको पता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आप जैसे घर का फीड देते हो तो घर के फीड में दोस्तों जैसे आपको बचा बुचा जो वेस्टेज है वो देते हो, तो उससे मुर्गियों को कुछ प्रोटीन वगैरह या जो कैल्शियम वगैरह कुछ नहीं मिलता, इसके वजह से मुर्गियाँ फिर आपके ये अंडा देना कुछ दिन मुर्गियाँ अंडा देती है, फिर उसके बाद वो अंडा देना बंद कर देती है, क्योंकि उन्हें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो आप सीधा सीधा दोस्तों आप लेयर मैस मार्केट वाला फीड खिलाए, क्योंकि मार्केट वाला फीड में प्रोटीन कैल्शियम सब कुछ होता है दोस्तों, तो उसके वजह से जो मुर्गियों को कैल्शियम की कमी हुई है वो आप मुर्गी को पूरी दूर हो जाएंगी और आपकी मुर्गियाँ फिर से अंडा देना स्टार्ट कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप ऐसा भी कर सकते हो और आपकी मुर्गियाँ जल्दी अंडा देना चालू कर देंगी। अगर से आपकी मुर्गी 4 महीना या 3 महीने की हो चुकी है तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मुर्गियाँ 5 महीने के बाद ही मुर्गियाँ
अंडा देना स्टार्ट कर देती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुर्गियाँ 5-6 महीने के बाद ही अंडा देना स्टार्ट करती है। आप देख ही सकते हो, ये हमारी अभी छोटी छोटी जो मुर्गियाँ है दोस्तों, अभी ये 4 महीने या 5 महीने की कंप्लीट है, लेकिन अभी दोस्तों ये मुर्गी ने अंडा देना स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि अभी ये छोटी मुर्गी है। देख सकते हो ये मुर्गी है, छोटी मुर्गी है दोस्तों, ये एक देख सकते हो पूरी छोटी छोटी मुर्गी है, वो अभी अंडा देना स्टार्ट नहीं करेंगी। लेकिन जो बड़ी मुर्गी है दोस्तों, आप देख सकते हो ये बड़ी मुर्गी है, तो ये अभी अंडा देना स्टार्ट कर चुकी है और 2-3 बार ये अंडा दे चुकी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और आप भी ऐसा कर सकते हो और इन्हें सही तरह का से आप प्रोटीन वाला फीड खिलाए, क्योंकि अंडा देना फिर से आपकी मुर्गी स्टार्ट कर देंगी। और सबसे बेस्ट है दोस्तों कि आप ना मेडिसिन खिलाए ना कुछ भी नहीं, ना आप मेडिसिन दें ना कुछ भी नहीं, लेकिन मार्केट वाला जो लेयर मैस फीड आता है, जो अंडे के लिए ही बना है, अब लेयर मैस फीड लाए और अपनी मुर्गी को दो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडे ले मुर्गी से। बस आज के लिए इतना ही। अगर से हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ऐसा ही न्यू टॉपिक पर। तो जय हिंद दोस्तों।